हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंदर हम एम के यादव का सेकंड जो है चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट कौन थे, तो सर ईजे बटलर, इनको बोलते हैं फर्स्ट इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट। उसके बाद में फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई द फंजाई इन द इंडिया इज के आर कार्तिकर। ठीक है, के आर कार्तिकर जिन्होंने जो है फर्स्ट कलेक्ट किया था और आइडेंटिफाई किया था फंजाई को इंडिया के अंदर। उसके बाद में आता है कि कौन थे बीबी मुंडकर जो थे, इनको बताते हैं बीबी मुंडकर बालचंद्र भवानी शंकर मुंडकर जो थे, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया था, ये फाउंडर इनके हैं और उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था जिसका नाम है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है कि एसटी नाजलिस्ट ऑफ इंडिया, ये मुंडकर सर ही हैं। ठीक है, बीबी मुंडकर जो ये थे इन्होंने एसटी नाजलिस्ट ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं जेनरा ऑफ रस्ट जो है त्रिमलचर, ये इनके साथ में दोनों ने मिलकर इन्होंने काम किया था जेनरा ऑफ रस्ट पे। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, करनाल बंट की डिजीज आती है। करनाल बंट में क्या है, करनाल बंट होता है ठीक है टिलेटिया इंडिका से, जो मित्रा थे उन्होंने डिस्कवर इसको रिकॉर्ड किया था करनाल के अंदर, इसके नाम इसलिए इसका नाम है करनाल बंट। उसके बाद में जो मुंडकर थे उन्होंने क्या कहा था कि ही लिटरली नेम द पैथोजन एज ए निवोसिया इंडिका, इन्होंने बाद में इसको निवोसिया इंडिका बोला। और इसका अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछ ले तो सबसे ये होता है एयर बोन से, सीड बोन से और सॉइल बोन से, मतलब ये तीनों से होता है। ये आप पूछ सकते हैं कि किससे होता है, ठीक है, एयर बोन, सीड बोन एंड सॉइल बोन से। उसके बाद में इसकी फुल फॉर्म पूछी है, ये हर्बेरियम क्रिप्टोगेमी इंडियन ओरिएंटल्स। ठीक है, इसके बाद में इसकी फुल फॉर्म पूछी है। उसके बाद में है इंडियन टाइप कल्चर कलेक्शन, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी है। ये आपको पता है दिल्ली के अंदर है, दोनों दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे जो है डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर जो फंगल, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो फंगल स्पीसीज उसको जो कंजर्व करना है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना है। इसको बोलते हैं कि 49,000 जो है इसके अंदर फंगल स्पीसीज कंजर्व करके रखी गई है और 2,000 से भी ज़्यादा जो है फंगल के जो जेनेरा है वो इसके अंदर मतलब सुरक्षित है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप लोगों को पता है इंडियन टाइप कल्चर अगर हम कल्चर आइडेंटिफाई के लिए भेजते हैं तो यहीं भेजते हैं आईटीसीसी के अंदर। उसके बाद में पूछा है कि कॉजल एजेंट कौन सा है जो प्री फ्लावरिंग जो है स्टाल्क रोट करता है और पोस्ट फ्लावरिंग मतलब जो स्टाल्क रोट है ना वो फूल से आने से अगर पहले आता है तो प्री फ्लावरिंग है और बाद में आता है तो पोस्ट फ्लावरिंग है। तो प्री फ्लावरिंग का रहता है फाइटोपीथियम एफिनीडर्मेटम और आता है इरविनिया क्राइसेंथेमी। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि कौन कौन सा जो है प्री फ्लावर स्टॉल ग्रोथ है, पीथियम एफिनीडर्मेटम इरविनिया क्राइसेंथेमी, पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉल ग्रोथ है मैक्रोफोमिना फेजुलिना एंड सेफेलोस्पोरियम मेडिस। ठीक है, उसके बाद में नेम ऑफ द बेंडेड लीफ शीथ ब्लाइट, बेंडेड लीफ एंड शीथ ब्लाइट ऑफ मेज राइजोक्टोनिया सोलेनी के थ्रू होती है। इसके अंदर समझाने का कुछ चीज़ नहीं है, जैसे समझाने का आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, और बैक्टीरियल स्टाल्क रोट ऑफ मेज किससे होता है, तो यह होता है इरविनिया क्राइसेंथेमी से। ठीक है, उसके बाद में आता है कि एग्जाम्पल हाई शुगर और लो शुगर, हाई शुगर ऑफ राइस पूछ रहा है, अगर वैसे पूछ ले कि हाई शुगर डिजीज कौन सी है, तो जिसके अंदर मतलब शुगर ज़्यादा होती है, जैसे प्लांट का ये प्लांट है इसके ऊपर के पोर्शन के अंदर शुगर ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हाई शुगर, ये बायोट्रोफ होता है मतलब। और जो नीचे के लीफ पे आती है जिस पर शुगर कंटेंट लो होता है, जो नीचे पे आती है जिसको नेक्रोट्रोफ बोलते हैं, तो वो होता है लो शुगर डिजीज। यहाँ पर जैसे अल्टरनेरिया वगैरह है, यहाँ पर रस्ट के एग्जांपल है, तो ये इसके अंदर पूछ रहा है, ओनली राइस के अंदर पूछ रहा है। तो जो बैक्टीरियल कहाँ गए, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज है राइस की जो एजेंथोमोनास ओराइजी से होती है, वो है हाई शुगर और लो शुगर की लीफ स्ट्रिक, ये जो है लो शुगर की है। उसके बाद में आता है कि बायोट्रोफ क्या है, नेक्रोट्रोफ क्या है। बायोट्रोफ के अंदर क्या होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं लिविंग सेल से, मतलब वो पैथोजन या वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना जो फूड है वो ओनली लिविंग सेल से डिराइव करते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इसको मारते नहीं है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा अगर ये मर गया तो हमको भी मरना है। ये मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन नहीं ले सकते, इसको बोलते हैं बायोट्रोफ। ठीक है, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका एंड इरिसिफी स्पीसीज इसके अंदर आती है। उसके बाद में आता है नेक्रोट्रोफ ऑर्गेनिजम्स हुज ग्रोथ, ठीक है, ये जो अपना है रिलाइज ऑन द न्यूट्रिशन रिलीज फ्रॉम द डेड होस्ट सेल, ये जो मरी हुई होस्ट सेल होती है उससे अपना जो है फूड डिराइव करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला एंड बोट्राइटिस सिंड्रेरिया। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद में आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होता है, पहले यह बता देता हूँ। फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है कि मेनली तो ये सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही डिराइव करते हैं, पर कभी कभी ये जो है लिविंग सेल से भी अपना जो पैरासाइट लिविंग सेल से भी अपना फूड ले सकते हैं। जबकि फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होते हैं, ये मेनली तो पैरासिटिक होते हैं। फैकल्टेटिव मतलब ही इज एबिलिटी टू यू नो कन्वर्टेड इनटू द सेप्रोफाइट,
तो फैकल्टेटिव का मतलब ये सेपोफाइट का मतलब होता है, वैसे तो ये लिविंग सेल पे डिपेंड होते हैं पर अगर उसकी अब्सेंस हो तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड डिराइव कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैकल्टेटिव पैरासाइट के अंदर आता है पीथियम एंड राइजोक्टोनिया, ठीक है, पीथियम एंड राइजोक्टोनिया, जबकि फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट के अंदर आता है स्मट फंजाई इन फाइटोफ्थोरा, ठीक है। उसके बाद में आता है हेमीबायोट्रॉप क्या होता है और पैरथोट्रॉप क्या होता है। हेमीबायोट्रॉप क्या होता है कि सबसे पहले कोई लिविंग सेल है उसको, उसके ऊपर ये अटैक करता है, उसके मरने के बाद भी इससे भी भोजन ले लेता है। ऐसा नहीं है कि लिविंग पे लेगा या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी लेगा, ये अपना भोजन कंटिन्यू रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेमीबायोट्रॉप। इसका एग्जाम्पल है वेंचुरिया इनिक्विलिस, लीफ स्पॉटिंग फंजाई जितनी भी है वो सब इसके अंदर आती है। फिर इसके अंदर आता है पैरथोट्रॉप, ये क्या होता है, नेक्रोट्रॉफी होता है एक तरह का। इसका एग्जाम्पल है स्क्लेरोटियम रोलफिश, ठीक है। इसके बाद में कैटर डिजीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैटर डिजीज बहुत बार पूछते हैं। कैटर डिजीज स्मॉल कार्डेमम है, कार्डेमम मोजेक वायरस जो पोटी वायरस है उसके अंदर आता है ये, और इसका जो वेक्टर है बहुत बार पूछते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा जिसको बोलते हैं बनाना एफिड, ठीक है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है। मतलब बनाना एफिड नाम है पर जो है वेक्टर किसके अंदर है, स्मॉल कार्डेमम, जिसको इलायची बोलते हैं, छोटी इलायची, ठीक है। उसके बाद में नेम फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम फंगस हूज जीनोम हैज बीन कंप्लीटली सीक्वेंस, जिसकी जो जीनोम सीक्वेंस है वो कम्प्लीटली सीक्वेंस कर दी गई है। अगर बैक्टीरियम के अंदर पूछे तो आएगा ज़ाइलेला फेस्टिडियोसा और फंगस आएगा मैग्नोपोर्था ओराइजी, जो डीन एटॉल, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है, किसने क्या किया था। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर पूछ ले तो ज़ाइलेला फेस्टिडियोसा, फंगस के अंदर पूछ ले तो मैग्नोपोर्था ओराइजी। ये मैंने बताई दिया था आपको फंगल स्पीसीज का, ठीक है। उसके बाद में जो है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब पैथोजेंस जो है प्लांट पे अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पर उसने अटैक कर दिया और ये बहुत ही ज़्यादा है, तो प्लांट हाइपर सेंसिटिव, हाइपर जो सेंसिटिव रिस्पॉन्स के थ्रू यहाँ से इसको प्रोग्राम सेल डेथ, यहाँ सेल डेथ हो जाएगी और टुकड़ा टूट के नीचे गिर जाएगा, जहाँ से प्लांट जो है इन्फेक्शन से बच जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। ये जो टर्म है स्टॉकमैन ने दी थी 1930 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन, ए प्रोग्राम ऑफ सेल डेथ इन प्लांट अकर लोकली इन द रिस्पॉन्स टू द अटेम्प्ट इन्वेंजन ऑफ बाई पैथोजन, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्लोवर इन्फेक्टिंग फंजाई कौन सी है, जो फ्लोवर को इन्फेक्ट करती है वो फंजाई है जिब्रेला जी, जिब्रेला जी जो है फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट करती है, क्लेविसेफस अफ्रीकाना और टिलेटिया इंडिका। उसके बाद में आता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड ये होता है कि ये जो होता है लार्ज क्लास ऑफ पेप्टाइड एंड स्मॉल प्रोटीन, इसकी जो प्रोटीन है बहुत स्मॉल होती है, शॉर्ट साइज देगी 30 से 40 एमिनो एसिड होते हैं। ये क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है कि कोई भी फंजाई है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये उसको मतलब एज अ डिफेंस नहीं होते क्या, प्लांट की डिफेंस जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है और उसको खत्म कर देते हैं। जैसे अपने अगर बात करें तो मुंह के अंदर जो सेलाइवा होती है, लार होती है, उसके अंदर ये होता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, जो अपन क्या कहते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होती है उसको खत्म कर देती है। इसके एग्जांपल सर्कोपिन बी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप, एपीडिएशन। फिर क्या आता है कि फिनोल ऑक्सीडेशन एंजाइम कौन से है, तो फिनोल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम नाम से पता चल रहा है, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज और पैराऑक्सीडोज, ठीक है, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है फाइलोस्पेरे क्या है, राइजोस्पेरे क्या है, फाइलोस्पेरे है कि जो प्लांट की जो लीफ है उसके आसपास का जो लिविंग एरिया है उसको बोलते हैं फाइलोस्पेरे, और जो रूट है उसके आसपास का जो लिविंग एरिया है उसको बोलते हैं राइजोस्पेरे, तो ये अपन को पता है, ठीक है। इफेक्टर और एलिसिटर क्या होता है, ये जब प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन उसके अंदर आता है कि इफेक्टर इज अ पैथोजन डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स टू मैनिपुलेट द होस्ट सेल कॉन्सिक्वेंटली द फैसिलिटिंग इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शन के फैसिलिटेट के लिए होता है। और इलिसिटर क्या होता है कि ये ट्रिगर करते था डिफेंस रिस्पॉन्स, ये क्या पैथोजन डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स ट्रिगर द डिफेंस रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन द इंप्रूविंग रेजिस्टेंस टू द पैथोजन, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि एलोपेट्रिक एंड सिंपेट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एलोपेट्रिक स्पेशिएशन द फॉर्मेशन ऑफ द टू एंड मोर स्पीसीज फ्रॉम द सिंगल एंसेस्टर स्पीसीज फॉलोइंग द जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ सब पॉपुलेशन। मतलब क्या होता है कि ये देखिए डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, कि आप देख रहे हैं इसके अंदर इसकी स्पीसीज एक ही जगह से हैं, ये पर इसके अंदर क्या होगा कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, मतलब ज्योग्राफिकल अलग हो गई, इधर से नदी निकल गई, इसलिए इसके लिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू ये डिफरेंट स्पीसीज हो गई। मतलब सिंगल एंसेस्टर स्पीसीज से दो स्पीसीज निकल गई, जबकि इसके अंदर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी इसके अंदर जो है अलग से स्पीसीज बन गई। तो इसके अंदर एलोपेट्रिक स्पेशिएशन और इसके अंदर सिंपेट्रिक स्पेशिएशन,
ठीक है, अब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा अपन को। एलोपेट्रिक स्पीशीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द टू एंड मोर स्पीसीज फ्रॉम द सिंगल एंसेस्ट्री स्पीसीज फॉलोइंग द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द सिंगल एंसेस्ट्री स्पीसीज ऑल ऑक्यूपाइंग द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। उसके बाद में एवीआर जीन क्या होती है, एविरुलेंस जीन, ये क्या होती है, पैथोजन जीन्स एलिसिटेड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन द होस्ट प्लांट, ठीक है, विद इट कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जीन। ये जो आर जीन होता है उसके मतलब, जैसे इधर से आर जीन आ रही है प्लांट की तरफ से, इसके अंदर एवीआर जीन आ रही है, तो ये उसके बारे में बता रहा है कि जो है, पूछ लेते हैं कि टर्म किसने दी थी, तो एच एस फ्लोर, जीन फॉर जीन रेजिस्टेंस वाला है एच एस फ्लोर, इन्होंने जो है इसकी टर्म दी थी। उसके बाद फुल फॉर्म पूछते हैं पीएमपी की क्या है, तो ये तो सीधी याद ही करनी है, पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न जब पढ़ते हैं तो आता ही है माइक्रोबियल एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोबियल इंड्यूस मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है, वाउंड हर्बेरियर इंड्यूस मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है, इफेक्टेड ट्रिगर इम्यूनिटी, ठीक है, ये पीएमपी ट्रिगर इम्यूनिटी जो पहले आया था, ठीक है। उसके बाद में डिजीज का तो अपनों पता ही है कि डिजीज होता है इज माल फंक्शनिंग ऑफ होस्ट सेल, जैसे ये होस्ट सेल है इसके अंदर माल फंक्शन हो गया है, मतलब ये खराब हो गई है, इसके क्यों, ड्यू टू द कंटिन्यू इरिटेशन बाय पैथोजन एजेंट, ठीक है, और ये सिम्टम में कन्वर्ट हो जाता है एक पैथोजन एजेंट के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कंटिन्यू इरिटेशन के थ्रू जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं डिजीज, ठीक है, या एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ए प्लांट ड्यू टू पैथोजन, ये भी होता है डिजीज। पैथोजन क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इज द पैथोजन, ठीक है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर पूछते हैं ब्लैक स्कर्प एंड कॉमन स्कैप ऑफ पोटैटो, इसके बारे में क्या है कि राइजोक्टोनिया सोलेनिस होता है ब्लैक स्क्रब पोटैटो और कॉमन स्कैप होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस जो लेंटी सेल के थ्रू एंटर करता है। उसके बाद में फाइटोएलेक्सिलम, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छा, मूलर एंड बॉर्गर इंड्यूस द टर्म ऑफ द फाइटोएलेक्सिल व्हाइल वर्किंग ऑन द फाइटोप्थेरा पोटैटो सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटिक पैथोजन क्या होता है कि अपॉर्चुनिटिक पैथोजन होता है कि पहले प्लांट की हालत खराब है, ठीक है, उसके बाद में ये अटैक करता है ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द डिजीज व्हेन द रेजिस्टेंस इन द होस्ट इज लोअर, जब होस्ट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लोअर है, जिस सुल्तान मूवी के अंदर उसकी फसलियों में लग जाती है वहीं पर वार करता है, वैसा ही है अपॉर्चुनिटिक फंगस, मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है, इसका एग्जांपल है राइजोक्टोनिया सोलेनी, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इन्फेक्शन क्वेश्चंस, ये किसके अंदर होता है, स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किसके अंदर होती है, एक मिनट इसके अंदर कम कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ये किसके अंदर होती है, राइजोक्टोनिया सोलेनी के अंदर इन्फेक्शन क्वेश्चन स्ट्रक्चर होती है, एडहेसिव नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नेमेटोफेगस फंजाई के अंदर होती है। फिर इसके अंदर आता है कि जो सीड पैथोलॉजी टर्म किसने दी थी, फादर कौन है, जो नीर गार्ड है ये फादर है, आपको पता ही है फादर ऑफ द सीड पैथोलॉजी, और मेरी नोबल जो इसके अंदर मिल जाएगी, इन दोनों ने मिलकर टर्म दी थी, इन्होंने कहा टर्म मैं अकेले नहीं दूंगा, मेरी तुम भी मेरे साथ में आओ तब मैं टर्म दूंगा, तो इन्होंने टर्म दी थी, ठीक है। उसके बाद में आता है कि लेबोरेटरी कहाँ पर है, सीड हेल्थ इंटेस्टिंग लेबोरेटरी है नीदरलैंड के अंदर है, और मेरी नोबल फर्स्ट ऑफिशियल सीड पैथोलॉजिस्ट है ये, ठीक है। और उसके बाद में आता है कि एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज कौन सी है और इंटरनली कौन सी है, तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न है बंट ऑफ राइस, ठीक है, कवर स्मट ऑफ ज्वार और कवर स्मट ऑफ बार्ले, और अगर इंटरनली पूछ ले तो लूज स्मट ऑफ व्हीट, एस्टिलागो सेकेटम टिटिसाई एंड एस्टिलागो न्यूटा, ठीक है, जो लूज स्मट ऑफ बार्ले, ये दो ही है, ये याद इंटरनली याद रख लेना, एक्सटर्नली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आता है नेम ऑफ कॉजल एजेंट, क्रिसेक फेज किसके अंदर होता है, क्रिसेक फेज के अंदर ये क्या लिखा हुआ, क्रिसेक फेज ऑफ राइस इज कॉज बाय द ज़ेंथोमोनास ओराइज़ी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस एंड स्टेम बोरर, ठीक है। और इसके अंदर बोल रहा है कि क्वारंटाइन डिजीज राइस के अंदर कौन सा है, तो एक डिजीज है इसका नाम है बंट ऑफ राइस, सो बंट ऑफ राइस इज ओनली क्वारंटाइन डिजीज ऑफ द राइस इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे थे कि कितना टेम्परेचर और कितने टाइम के लिए रखें तो सारे पैथोजेनिक मर जाएं, तो बोल रहे हैं कि व्हेन द सोइल टेम्परेचर इज रेज 82 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो और 30 मिनट तक अगर रखें तो ऑल पैथोजेनिक फॉर्म इज किल्ड, सारे पैथोजन मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पूछते हैं कि कौन है फर्स्ट हु शो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ द रेजिस्टेंस जीन एंड अगेंस्ट विच डिजीज, तो आर एच बिफिन है, इन्होंने कहा था कि फर्स्ट इन्होंने शो किया था रेजिस्टेंस जो व्हीट स्टिप, जो व्हीट टू द स्टिप रस्ट इसके अंदर है, वो जो है इनहेरिटेड होती है अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ। मेंडल लॉ आपको पता है, आपको इस अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था बिफिन ने। उसके बाद में है कि जो UG99 आपको पता है, युगांडा UG99, ये जो किसने मतलब किसको जीन को SR31 जीन है इसको इसने ब्रेक किया था, और पक्षी ने ग्रेमिनिस्टिटिस आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद में आइडियल कंडीशंस फॉर द फेवर ऑफ द डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ, डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले होती है ड्यूली नाइट, मतलब ओस पड़नी चाहिए, उसके बाद में कूलर डे एकदम ठंडा दिन होना चाहिए, तो धमाधम डाउनी मिल्ड्यू डिजीज आ जाएगी। उसके बाद में पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए,
ठीक है रस्ट आने के लिए, तो अगर लीफ रस्ट अगर है तो 15 से 20 डिग्री चाहिए इसके लिए, स्टेम रस्ट है तो 20 से 30 डिग्री चाहिए, और येलो रस्ट के लिए सबसे कम चाहिए 15 से 20 चाहिए। सबसे पहले येलो ध्यान रख लो, उसके बाद में लीफ, उसके बाद में स्टेम, और टेम्परेचर बढ़ाते चलो, ठीक है 5-5 डिग्री, लास्ट में 10 बढ़ा देना। इनोकुलम पोटेंशियल और स्लो रस्टिंग किसने दी, इनोकुलम पोटेंशियल्स और पोटेंशियल्स हॉर्स फॉल ये तो पता ही है, और स्लो रस्टिंग प्रिवेल्ड ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में आता है क्रेजी टॉप डिजीज ऑफ मेज, स्क्लेरोथोरा, ठीक है मैक्रोस्पोरा एंड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, तो पता ही आपको स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमेनिकोला, तो कौन सी जो है फ्लोवर पार्ट को अफेक्ट करती है, ये दो डिजीज करती है। उसके बाद में नेम ऑफ फंगल पैथोजेंस कॉजिंग द डैम्पिंग ऑफ, अब डैम्पिंग ऑफ के लिए तो सबको पता है कि पीथियम आती है, फाइटोप्थोरा आता है, फ्यूजेरियम आती है, राइजोक्टोनिया होती है, ये सॉइल के अंदर पड़ी रहती है और ये क्या करती है डैम्पिंग ऑफ करती रहती है। उसके बाद में आता है कि नेम ऑफ द पैथोजन एसोसिएट पाउडरी मिल्ड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाउडरी मिल्ड ऑफ कुकरबिट से इसके लिए जो दो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है रिपोर्टेड एसोसिएट द टू ऑर्गेनिजम्स विद द पाउडरी मिल्ड ऑफ कुकरबिट्स, पहला है इरिसिफी चिकोरी सीरियम जो अकरिंग इनिशियल स्टेज ओनली, फिर बाद में आता है स्पेरोथेका, ठीक है फ्लीजियाना जो है प्रिंसिपल डिजीज कॉजिंग एजेंट है इसका, तो ये जरूर पूछते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक वापस रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आप जो है आपको स्पीड कम लगी हो तो आप ज़्यादा कर लेना, यूट्यूब के अंदर साइट के अंदर फैसिलिटी आती है, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, और आप बताना कि कैसा लगा आपको, वापस देख लो, वापस इसके अंदर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप वापस वीडियो को रिपीट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।